हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सूरज शर्मा स्कूल में स्वागत है। तो बच्चों, आ गया हूं मैं फिर से आपके चैप्टर की तरफ, पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th का ये टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चे, आप इसको ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि आज की भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे आने वाले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं, आज का पहला सवाल है हमारा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x + p इज 3, फाइंड इट्स अदर जीरो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस सवाल में ये बोल रहा है कि आपका ये जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है 2x² - 3x + p, इसका एक जीरो जो है वो 3 है। एक जीरो क्या है? 3 है। तो इसके अदर जीरो को भी फाइंड कर लो और वैल्यू ऑफ पी को भी पता कर लो। तो कैसे पता करते हैं बच्चे? सबसे पहले इस सवाल को हम करेंगे क्या कि ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c से करा लेते हैं। जैसे आप कंपेयर कराते हो, आपके पास a की वैल्यू मिल जाती है 2, b मिल जाती है -3 एंड c मिल जाता है p। ठीक है, नाउ हमने मान लिया, या आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, सिंस α + β = -b/a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, यानी ये α + β = -b/a। एक जीरो आप अल्फा इसको कह लेना, ये जो 3 है अल्फा है, आप इसको बीटा भी बोल सकते हो। तो यहां पे रख दिया आपने 3 + β = -b, -b का मतलब हो गया -3 और a हो गया 2, यानी कि बीटा हो गया 3/2 - 3, यानी बीटा हो जाएगा 3 - 6/2, अगेन β = -3/2, यानी कि इसका एक जीरो है हमारे पास α = 3, तो अदर जीरो हो जाएगा β = -3/2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात, एक जीरो पता हो गया है। इसी के साथ आपको वैल्यू ऑफ p भी पता करनी है। तो सिंस अगेन आप जानते हो α * β = c/a होता है, आप क्या कर सकते हो कि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आप रख सकते हो और c/a की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा है 3, बीटा है -3/2, c है p और a की वैल्यू है 2। इसे देख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है और p = -9 निकल कर आया है। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। आइए बच्चों फिर से देखते हैं एक सवाल। आपका सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² - 6x + k एंड 3α + 2β = 20 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों इस सवाल में हमको ये पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी यदि अल्फा और बीटा ये पॉलिनोमियल, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल, यहां पे भी एक टर्म लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है, इन दोनों का क्या है, जीरो है। ठीक है बच्चे, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एज यू नो α + β = -b/a होता है, तो यहां से आप देख सकते हैं -6/1। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 6, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन मिल गया α + β = 6, आप इक्वेशन 1 कह सकते हो, बट गिवन है 3α + 2β = 20, इसको आप इक्वेशन 2 कहिए। और इसको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2α + 2β = 12, आप इसको इक्वेशन 3 कह सकते हो। और फिर तब जाकर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा दीजिए, आप देख सकते हो ये 2β से 2β कैंसिल हो गया है और 3α में से 2α गया, अल्फा बचा है, और 20 में से 12 गया, 8 बचा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 8 आ गई है। अब इस अल्फा को उठाकर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट इन फर्स्ट, देयरफॉर 8 + β = 6 और इस प्रकार β = -2 आ गया है। ठीक है बच्चे, यानी अल्फा मिल गया, मेरे पास बीटा मिल चुका है, अब हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन आप जानते हो α * β = c/a होता है, यानी कि α * β की वैल्यू भी रख सकते हो, c की वैल्यू रख सकते हो, a की वैल्यू रख सकते हो। अल्फा अपने 8 निकला है, बीटा -2 है, इक्वल टू c है k और a की वैल्यू 1 है,
इस तरह से देख सकते हो k इक्वल टू माइनस 16 आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार बच्चों देखा कि ये भी मेरा बहुत इजीली सॉल्व हो चुका है, आप इसको नोट कर लेंगे। फिर से आते हैं बच्चों एक धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे। सवाल है हमारा, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यानी कि सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो जीरोज है वो डबल हो जाएंगे। ये सेकंड जो पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोज के, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का हम जीरोज निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे, और जिसे डबल करेंगे ये जो दो जीरोज मिलकर आएंगे, ठीक है, वो दोनों जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जीरोज होंगे, और तब जाकर हमको p और q की वैल्यू को पता करना है। तो एक अच्छा सा सवाल है बच्चों, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इसको हम fx मान लेते हैं और इसका जीरोज निकालने का प्रयास करते हैं। यानी कि फॉर जीरोज आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है fx इक्वल टू 0 कर लिया जाता है, यानी देयर फोर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जाकर 3 टू जा 6 5 लेके आनी है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों में कॉमन जो है 2x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस प्रकार एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ रहा है, दूसरे में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रही है। अब देख सकते हैं बच्चे यहां से x की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहां से x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसके दोनों जीरो मिल चुके हैं। नाउ अब हम चलते हैं इसके जीरोस की तरफ, देयरफॉर लिखेंगे लेट जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज है आर अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, यानी कि देयरफॉर अल्फा की जो वैल्यू आएगा 2 टाइम्स 3 जो कि 6 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बीटा की जो वैल्यू आएगा 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 जो कि माइनस 1 होगा। यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको मिल चुकी है, मतलब इस पॉलिनोमियल का दोनों जीरो मिल चुका है। नाउ पी और क्यू की वैल्यू की तरफ चलते हैं। नाउ एज यू नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस पी बाई 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आगे माइनस लगा होता है इसलिए वहां पे माइनस लगा। अल्फा की वैल्यू है 6 और बीटा की वैल्यू है माइनस 1 इक्वल टू माइनस पी, यानी कि माइनस पी इक्वल टू 5, तो पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। हमने देखा पी की वैल्यू निकाल लिया है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यहां पे सी की वैल्यू क्यू है बाई ए 1 है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू पर रख सकते हैं फिर से, अल्फा है 6 बीटा है माइनस 1 इक्वल टू क्यू, यानी क्यू इक्वल टू माइनस 6 आ गया है। आई होप कि बच्चों आपको पी और क्यू ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार पी और क्यू निकाला जाता है, आप इसको नोट कर ले, बहुत एक अच्छा सा सवाल है। आइए बच्चों फिर से एक सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द बोथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ क्यू। इस सवाल में बच्चों ये गिवन है कि इसका एक जो जीरो है वो दूसरे जीरोस का 7 टाइम्स है, यानी कि यदि पहला जीरो यदि अल्फा होगा तो दूसरा जीरो इसका 7 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ द जीरोस एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ के। तो कैसे बच्चों पता करेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट हमने माना कि फर्स्ट जीरो इज अल्फा एंड अदर जीरो इज 7 अल्फा। ठीक है, ये हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है 7 टाइम्स। ठीक है, टू द अदर, देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे आते हैं। एज यू नो
कि सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस एट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस सेवन अल्फा इक्व टू एट बाई थ्री हो गया है, और यहां से आप देख सकते हो एट अल्फा इक्व टू एट बाई थ्री, आप इस एट से एट कैंसिल करा सकते हो, अल्फा इक्व टू वन बाई थ्री हो गया है, यानी इसका एक जीरो मिल गया है, अल्फा की वैल्यू वन बाई थ्री, ठीक है। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, सेवन इंटू सेवन अल्फा इक्व टू सी बाई ए होता है, यानी कि माइनस 2k प्लस वन अपॉन थ्री, यानी कि आप देख सकते हो ये हो गया 7 इंटू अल्फा स्क्वायर इक्व टू माइनस 2k प्लस वन बाई थ्री, यानी कि 7 इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 1 बाई नाइन इक्व टू माइनस 2k प्लस वन बाई थ्री। आप देख सकते हो इस 7 से, सॉरी इस 3 से ये 9, 3 टाइम्स कट जाता है इधर। अब आपके पास बचता है 2k प्लस वन इक्व टू माइनस को आप लेफ्ट में देंगे माइनस सेवन बाई थ्री, यानी कि 2k प्लस वन माइनस सेवन बाई थ्री माइनस वन, यानी कि 2k हो जाएगा माइनस टेन बाई थ्री, और इस प्रकार k की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव बाई थ्री। तो आपने देखा मैंने एक जीरो निकाल लिया है अल्फा जो कि वन बाई थ्री है, k की वैल्यू मिल गया है माइनस फाइव बाई थ्री, और इसका अदर जीरो जो हो जाएगा जो कि हो जाएगा सेवन अल्फा, यानी कि सेवन इंटू वन बाई थ्री जो कि सेवन बाई थ्री है, यानी कि फर्स्ट जीरो वन बाई थ्री, सेकंड जीरो सेवन बाई थ्री, द वैल्यू ऑफ के इज माइनस फाइव बाई थ्री। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लें। चलते बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ, एक सवाल इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आप इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस of quadratic polynomial px equals to x square minus 8x plus k is 34, then find the value of k। कहने का मतलब यह है कि इस quadratic polynomial जो दिया हुआ है px equals to x square minus 8x plus k, इसका जो zeros का square कर sum करने पे 34 आता है, तो बताओ k की value क्या होगी, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं बच्चे, सबसे पहले let हम यह मान लेते हैं कि let alpha and beta are zeros of px, ये जो px है इस px के अल्फा और बीटा दो जीरोज है, ठीक है बच्चे। अब यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये निकलेगा भी तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जाएगा जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम अल्फा बीटा नहीं निकालते हैं, हम यहां पे अल्फा प्लस बीटा जरूर निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 8 आ रहा है, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो c बाई ए होता है k बाई वन जो कि k हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। तो कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्व टू 34 है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है 34 है, क्यों, क्योंकि बोलता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस, तो इसके जीरोस का स्क्वायर करके सम करने पे 34 दे रहा है, ठीक है। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस प्रकार निकलता है, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो इक्वल टू 34, ठीक है बच्चे। यानी कि अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो जो कि 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू के है इक्वल्स टू 34। आप देख सकते हो माइनस टू के इक्वल्स टू 34 माइनस 64, यानी कि माइनस टू के इक्वल्स टू माइनस 30 हो जाएगा, और इस प्रकार के की वैल्यू कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार ये बहुत इजी से सवाल था, आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए इस बेस पे, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल, उन सभी बुक्स में आप अधिक से अधिक इस लॉकडाउन में प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन को बनाते रहें। तो बच्चे इसको अपलोड कर लें। चलते बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आप इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सवाल है हमारा, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इन द रेशियो 4:5,
then prove that 20b square equals to 81ac. इस सवाल में ये दिया हुआ है कि इसके जो जीरोज है वो इसके जीरोज का जो रेशियो है वो 4:5 है, ठीक है, यानी कि जो दोनों जीरोज है वो 4:5 में है, यानी कि एक 4 अल्फा है तो दूसरा 5 अल्फा है, ठीक है. Now we have to prove 20b square equals to 81ac. तो ये सवाल किस प्रकार ये सॉल्व होगा, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो हम ये मान लेंगे लेट जीरोज आर 4 अल्फा एंड 5 अल्फा. मैंने जीरो मान लिया कि 4 अल्फा और 5 अल्फा है. अब आते हैं, एज यू नो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. सो वी कैन राइट सम ऑफ जीरोस 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी कि 9 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. आप देख सकते हो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई 9 है, ठीक है. इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो ये हो जाएगा 4 अल्फा इंटू 5 अल्फा इक्वल टू सी बाई ए. आप देख सकते हो ये 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए हो गया है, ठीक है बच्चे. अब मैं कर कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन टू. द वैल्यू ऑफ अल्फा मैंने इक्वेशन टू में पुट कर लिया. जैसे पुट करते हो तो ये मिल जाएगा 9 इंटू बी स्क्वायर बाई 81 ए स्क्वायर, ठीक है. ये 4 5 20 हो जाएगा. सॉरी यहां पे एक मिस्टेक हो चुकी है. तो ये हो जाएगा 20 अल्फा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 81 ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए. अब फिर से इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 बाई 81 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए. एक ए से कैंसिल हो सकता है और 81 इंटू ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा 20 बी स्क्वायर इक्वल टू 81 ए सी, ठीक है बच्चे. तो ये हमारा इस प्रकार प्रूव हो चुका है. इजी से सवाल था, आप इसको नोटबुक में नोट कर ले, ठीक है. चलते एक दूसरे सवाल की तरफ, चलते हैं बच्चों एक सवाल की तरफ, ठीक है. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस 1 बाई 3 माइनस 1 रूट 3 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई 5 1 बाई 5. इस सवाल को सीबीएसई 2014 में पूछा गया जा चुका है, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है. तो देखते हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनानी है. तो हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is given by is given then क्या बताया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. ये हमको आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है. तो देखते हैं बच्चे यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो. इन दोनों जीरोस का सम करते हो 1 बाय 3 प्लस माइनस 1, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं 1 बाय 3 इंटू माइनस 1. ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनकर आएगा हमारा px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस. आप देख सकते हो आप इसको जैसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चे. यानी ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 बाई 3 एक्स माइनस 1 बाई 3. और अधिक इसको सॉल्व करना है तो आप यहां से एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि पी एक्स इक्वल टू के इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल बाई हो जाएगा 3.
ये होल बाई 3 हो जाएगा। आप चाहे तो इस 3 को यहां लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हो, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, जो टोटल पॉसिबल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, यहां से मिल गया। लेकिन हमको सिर्फ एक ही क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना था, देयरफॉर वन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इसके लिए मैंने के की वैल्यू 3 पुट कर दिया है। के की वैल्यू क्यों पुट कर दिया 3? क्योंकि इसे कट जाए और एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाए। देयरफॉर px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे, बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ वी पुट या वी टेक k इक्वल्स टू 3, देयरफॉर वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो आप जैसे मन करे वैसे ले सकते हैं। आप पहले वाले तरीके से लिखो, बाद वाले तरीके से लिखो, जैसे भी लिखो, आपका एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। नोट कर लेंगे बच्चे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया कि फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो की जगह पे आप यहाँ पे काट दीजिएगा, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा हुज जीरोज आर, सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, जीरोज आर, और ये हमारे जीरोज है, तब जाकर ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चे। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सम ऑफ जीरोज नहीं, सिर्फ जीरोज है ये 1/3 -1, और तब जाकर हमने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर सॉल्व किया है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, सवाल में ही। चलते बच्चे इसके अगले सवाल की तरफ, देखते बच्चे इसका अगला सवाल कि फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर √3, 1/√3। इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों? तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर लिख देते हैं हुज जीरोज आर √3 and 1/√3, ठीक है। तो फिर से इसी फॉर्मूला में हम इसको बैठा देंगे और ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरो √3 plus 1/√3 एक्स प्लस √3 into 1/√3, और यहां पे √3 से इस √3 को कैंसिल करा सकते हो, और इस प्रकार px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 3 plus 1/√3 x plus 1, ठीक है बच्चे। और इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है px इक्वल टू k इंटू, आप एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 x स्क्वायर minus 4 x plus √3 होल बाई √3 हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार, ठीक है। यानी कि ये px की वैल्यू लिख सकते हो k/√3 into √3 into x² - 4x + √3, ठीक है बच्चे। अब जाकर यदि आपको एक क्वाड्रिक पॉलीनोमियल निकालना है, देयरफॉर वी टेक k = √3, आप रख सकते हो, देयरफॉर वन क्वाड्रिक पॉलीनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू √3 x² - 4x + √3। तो इस प्रकार बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे सवाल के साथ। तब तक के लिए आप रिवाइज करें क्वेश्चन इस बेस पे, आज की वीडियो के बेस पे बनाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।